नंबर वन लीग है, नंबर वन लीग ने नंबर वन ओपनिंग सेरेमनी करवाई तीन माने। इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ओपनिंग सेरेमनी नहीं देखी है। आपका पूरा पीएसएल के ब्रॉडकास्ट जितने में था 100 कितने करोड़ के अंदर, उसमें एक मैच हो रहा है। अबे भाई 33 करोड़ लाइव जियो सिनेमा की व्यूअरशिप, मतलब अबे ये कहां से लाए हो भाई, इतनी तो हमारी आबादी नहीं है कसम से। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा। आपको आपने आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखी या किसी पाकिस्तानी घंटे के फैंस ने देखी या आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी? मैंने ओपनिंग सेरेमनी देखी और मेरी ओपनिंग सेरेमनी देख के फट के आकर उतनी बड़ी ग्रैंड ओपनिंग यार, कसम से देख के मजा आ गया, चसा आ गया। ए आर रहमान, टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बड़ी ग्रैंड ओपनिंग थी। आईपीएल का क्रेज हम देख सकते हैं कि पीएसएल से ज्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है। भाईजान पता लग रहा था कि प्रोफेशनल चीज हो रही है, पता चल रहा था कि आईपीएल शुरू हो गया है। पाकिस्तान कभी ऐसी ग्रैंड ओपनिंग करा सकता है पीएसएल की? कभी भी नहीं। मैं और ये जो 37-38 करोड़ सिर्फ जियो सिनेमा पे थे, फिर स्क्रीन पे अलग थे। और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। घंटों ये बकवास ना इसी वजह से नहीं दरागे करता कि आईपीएल दुनिया की नंबर वन लीग है, उसने रात को ये ओपनिंग सेरेमनी करके ना ये उन बगैरतों के मुंह के ऊपर चिपेड़ मारी है कि उनको पता चलना चाहिए कि पीएसएल की क्या औकात है और आईपीएल की क्या औकात। उसने रात को ये ओपनिंग सेरेमनी करके ना ये उन बगैरतों के मुंह के ऊपर चिपेड़ मारी है कि उनको पता चलना चाहिए कि पीएसएल की क्या औकात है और आईपीएल की क्या औकात है। अलरजीत सिंह परफॉर्मेंस दे रहा था, तमन्ना भाटिया यार परफॉर्मेंस दे रही थी, मतलब पता चल रहा था आईपीएल शुरू हो गया। ग्राउंड देखा था आईपीएल का, 1 लाख से ज्यादा बंदे बैठे हुए थे मैच देखने के लिए। और पीएसएल घंटे हमारे ग्राउंडों में क्या था, पाकिस्तान के ग्राउंडों में छतें उनकी कोई नहीं है, वॉशरूम उनके नहीं है, टूटे पचे ग्राउंड है हमारे पास और 2 से 3 हमारे पास ग्राउंड है जिनमें हम पीएसएल करवाते हैं। और भाईजान इंडिया के ग्राउंड का पता है, ये जो रात को जिस ग्राउंड में मैच हुआ है जिसमें ओपनिंग सेरेमनी हुई है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है, औकात है पाकिस्तान की पीसीबी की इस तरह स्टेडियम बना। जितनी आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में पैसे लगे ना उतनी पाकिस्तान की जीडीपी है। ये भाई मैं पूरा पूरा तसल्ली के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह के बंदे उन्होंने हायर किए हुए थे ना, पूरा पूरी बॉलीवुड की कास्ट उन्होंने हायर की है चेन्नई में चिपक स्टेडियम में। भाई पूरी बॉलीवुड की कास्ट थी अंदर, ये उनका स्टैंडर्ड है, ये उनका लेवल है। अब चेन्नई में हर जगह येलो 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 नजर आ रहा था, क्या अपनी सेरेमनी करवाएगी अक्षय कुमार। वो जब अक्षय कुमार ऊपर से जब वो इंडिया का झंडा लेके नीचे आता है, फिर उसके बाद जब वो बाइक के साथ वो जो राउंड सर्कल लगाता है, मतलब वो मजेदार चीज थी यार। मतलब ऐसी ऐसी एक्साइटेड चीजें, ऐसी ऐसी यूनिक चीजें करता है, मतलब इंडिया मतलब आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में जब मजा आ जाता है यार। ये जो मेरे घंटे हैं पाकिस्तान के, अभी पाकिस्तान में आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी ट्रेंडिंग क्यों कर रही है, क्यों कर रही है ट्रेंडिंग? ना करवाओ ट्रेंडिंग, इसलिए ट्रेंडिंग करवा रहे हो ना कि अपने दिल ही दिल में ये बात मान चुके हो कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, पीएसएल ना आईपीएल के पांव के बराबर भी नहीं है, ये आप लोग मान चुके हो। लेकिन फिर भी ये जो मेरे छनकने के किंग है, ये जो मेरे घंटे के किंग है, ये जो सोनू पीली चप्पल टाइप के बंदे ना, ये खुदर लोग नहीं मानते। मतलब आईपीएल में मैं बताता हूं आपको, आईपीएल में जो एक मैच होता है ना, एक मैच जो उसके मतलब 20 पैसे लेता, पता कितने मिलते हैं, कितने वर्न होते हैं, 119 करोड़ इंडियन बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी करोगे तो वो 300-400 करोड़ बन जाएंगे। और पाकिस्तान में पीएसएल एक मैच के पता कितने पैसे करता है, 3 करोड़, और पूरे पीएसएल के 124 करोड़ होते हैं। मतलब जहां पीएसएल पूरे सीजन के पैसे लेता है, 20 से एक मैच के पैसे उतने ले लेता है। इंटरेस्टिंग इवेंट है, हम भी एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। लगता है कि पीएसएल कभी आईपीएल के लेवल पे जा सकेगा, चाहे वो ओपनिंग की सेरेमनी के लिहाज से हो या टीम्स के लिहाज से हो या प्लेयर्स के लिहाज से हो। सर जितने का पूरा पीएसएल होता है ना, इतना एक टीम का बजट आईपीएल में होता है, तो मेरा नहीं ख्याल के मतलब जा सकता है बराबर, उसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा और हमें तो वैसे इमदाद की बड़ी जरूरत है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आईएमएफ पाकिस्तान पे थोड़ी दया करे, क्योंकि अभी घर में बिजली और का बिल आया है और मैं बड़ा परेशान हूँ कि वादा कैसे होगा। तो मैं मेगा स्टार्स को तो पैसे देने बड़ी दूर की बात है, यहाँ पे गरीब बंदे का चूल्हा अगर प्रॉपर जल जाए ना 24 घंटे तो वही बड़ी बात है। एंड पे मुझे बताइएगा आईपीएल का क्रेज पाकिस्तान में ज्यादा क्यों है?
सर बड़ा इवेंट है, बड़े दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, अब जरूरी थोड़ी कि पाकिस्तानी प्लेयर को ही पाकिस्तानी देखेंगे। दुनिया का विराट कोहली है, बहुत जबरदस्त खेलता है, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पाकिस्तान में भी लोग पसंद करते हैं, तो जो जो जिसको पसंद करता है आईपीएल में अगर वो परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तानी भी देखेंगे, पूरी दुनिया भर में देखा जाएगा। बड़ा मजा आया जिस तरह आपने भी बताया, ए आर रहमान, टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बड़ी ग्रैंड ओपनिंग थी। आईपीएल का क्रेज हम देख सकते हैं कि पीएसएल से ज्यादा पाकिस्तान में पाया जाता है। इवन कि कल की एक न्यूज थी कि धोनी ने जो है आईपीएल की कप्तानी भी छोड़ दिया, हमारे लिए एक सदमा था, लेकिन जिस तरह से आईपीएल की आज ग्रैंड ओपनिंग हुई है, बड़ा मजा आया, बड़ी धमाकेदार ओपनिंग थी। उसके बरक्स आप पीएसएल की ओपनिंग देख रहे, क्योंकि पीएसएल चल रहा है पाकिस्तान में, तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी, तो हमने बड़ा इंजॉय किया इसकी ओपनिंग को। ये सिर्फ आईपीएल की बात नहीं है, आप देख लें वर्ल्ड कप की ओपनिंग हो, किसी और टूर्नामेंट की हो, इंडिया जो है अपना आगाज भी उतने अच्छे से करता है, तमाम भी उसी तरह करता है। देखा जाए तो इस आज से दो दिन पहले आरसीबी ने भी अपना अनबॉक्स इवेंट कराया, वहां पे एलन वॉकर जैसे सिंगर्स ने भी परफॉर्म किया। क्यों इंडिया जो है अपनी इस लीग को इतना हाइप देता है और बाकी दुनिया में इसको जो है देखा भी जाता है, हर चीज उसकी देखी भी जाती है, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पाता? देखिए बात यह है कि क्रेडिबिलिटी बनती है ना आईपीएल की। आईपीएल में हम देखें कि कोई भी बड़े से बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर जाने से इनकार नहीं करेगा। एक तो आईपीएल को बड़ी अच्छी भारी इन्वेस्टमेंट मिलती है पीएसएल के मुकाबले में, दूसरा आप ये देखें कि आईपीएल में हर बड़ा प्लेयर जो है वो जाना चाहता है, खेलना चाहता है। पाकिस्तान में आप बात कर ले, पिछले दिनों मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी तो हमारे पीएसएल के एक प्लेयर जो है वो छोड़ के चले गए थे, करण पोलार्ड जो थे वो छोड़ के चले गए थे कि जी मैंने जो है वो आनंद अंबानी की शादी अटेंड करनी है, तो अब देखने के ये में आ रहा है हमारा, और उनकी इतनी पावर है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, आईपीएल ने अपना एक नाम बना लिया, और अब आप देखें कि यहाँ पर जितनी भी यूथ है वो पीएसएल की बजाय आईपीएल को सपोर्ट करती है, देखना पसंद करती है, और हमने देखा है कि इंडिया के अगर आईपीएल की बात करें तो किस तरह वो टैलेंट को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए विराट कोहली, रोहित शर्मा और धोनी जैसे टैलेंट कह लें कि जॉइंट स्टार्स ने कप्तानी छोड़ दी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम अपने जूनियर्स को मौका देना चाहते हैं, उन्हें ऊपर लाना चाहते हैं, तो इसलिए शायद कह लें कि उनकी ये नेक नियति है। क्या लगता है कि ऐसा ऐसी सेरेमनी है, ऐसी ओपनिंग सेरेमनी कभी पीएसएल में भी होगी? ये सारा पैसे का कमाल है, ठीक है, मतलब हम लोग तो कर्जे में डूबे, हाँ हम लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, तो जब पैसा आएगा तो शायद हम भी करवा सके, क्योंकि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, और आपके मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज भी अगर अच्छा होगा, बेहतर होगा, तभी दूसरे ममालिक के जो प्लेयर्स हैं आपके मुल्क में आएंगे। अब देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट तो पाकिस्तान में वैसे ही नहीं हो रही है। क्या लगता है इंटरनेशनल स्टार्स कभी पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने आ सकेंगे जिस तरह वहां पर वो करते हैं? मुश्किल है, मुश्किल है, मेरा ख्याल है ये अपने लोगों को प्रमोट करते हैं कि भाई सस्ते में अपने आप अपने लोगों ही नचा लो, बाहर के लोगों को क्यों? सरमिनी ने उन्होंने इतना पैसा लगा दिया कि पाकिस्तान का कर्जा भी माफ हो सकता है उसमें, ठीक है, हाँ हो सकता है, जाहिर सी बात है, अगर यानी कि वो हो। क्या लगता है कि पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी ऐसी होगी कभी? नहीं, मेरे अंदाजे में तो आई थिंक नहीं। ए आर रहमान तो बहुत दूर की बात है, वो प्लेयर के पैसे नहीं भर सकते, जो बाहर से प्लेयर मंगवाते हैं उनके पैसे नहीं वो अफोर्ड कर सकते, इसी वजह से वो यानी कि पाकिस्तान में पीएसएल की ना ओपनिंग सेरेमनी इतनी बड़ी नहीं हो, तो काफी हद तक यानी कि बेहतर है हमारे यानी कि देखा जाए माशरे में पैसों के लिहाज से भी और माशी हालात के साथ भी। आप आईपीएल देखते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं। तो आज सीएसके और आरसीबी का मैच है, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आरसीबी को। क्यों? आरसीबी इज माई फेवरेट टीम। विराट कोहली की वजह से? नहीं, एबी डिविलियर की वजह से। भी देखिए जिस तरह से एआर रहमान इतना एक्सपेंसिव है ना, उतने में पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए, देख ले वो कितना बंदा एक्सपेंसिव। उतनी बड़ी ग्रैंड ओपनिंग यार, कसम से देख के मजा आ गया, चस आ गई। पाकिस्तान कभी ऐसी ग्रैंड ओपनिंग करा सकता है पीएसएल की? कभी भी नहीं।